आपको स्पीड क्या रखनी पड़ती है, थोड़ी 70% 100% में कितनी परसेंट यूज करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं कदम को। देखो, जब आप टेक ऑफ लेते हैं तो आपका हिप्स जो होता है वो उसका साइड ये होगा, इतना एंगल होगा। बोले भागो पापा की, अरे वर्दी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं 4 सेकंड फिजिकल। आज सभी को लॉन्ग जंप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। 6 ऐसी बातें जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप लॉन्ग जंप में परफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब 30 नंबर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए नियम जानना पड़ेंगे आपको। लॉन्ग जंप के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर लॉन्ग जंप किस तरीके से की जाती है, इसके क्या नियम होते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखना है। पहली चीज तो आपकी ये जो रनवे की जो जगह होती है, डिस्टेंस होती है, ये 30 से लेकर 40 मीटर की होती है। कितने मीटर की होती है? 30 से 40 मीटर की आपकी रनवे होता है जिस पर आप दौड़ के क्या करने वाले हो, जंप करने वाले हो। पहली चीज हो गई। अब यहीं से स्टार्ट होता है लॉन्ग जंप का टिप्स। मैंने जो ये जगह लगाई है वहां से, मतलब ये टेक ऑफ बोर्ड से देखो, ये यहां से लेकर यहां तक जो मैंने ये कोण लगाए, ये कोण क्यों लगाए, पहले तो मैंने एक रनवे की जगह नाप दी है, ये 30 मीटर है। आप अधिकतम कितनी ले सकते हो? 40। लेकिन 30 मीटर सफिशियंट होती है। 30 मीटर में आप आपकी बॉडी का सही से यूज कर पाएंगे और आप लॉन्ग जंप भी सही से कर पाएंगे। अब ये जगह मैंने इतनी इसलिए ली है, ये वाला जो हिस्सा छोड़ा है ये 70% छोड़ा है और 30% रख लिया है। पहला एफर्ट आपको जो लगाना है रहता है लॉन्ग जंप में, 30% आप स्टार्टिंग का 70%, मतलब कि यहां तक आपको स्पीड क्या रखनी पड़ती है, थोड़ी 70% 100% में कितनी परसेंट यूज करना है, 70%। और यहां आने के बाद 30% और बूस्ट होगी, पूरा 100% स्पीड होगी। कई लोग क्या करते हैं, शुरुआत में स्पीड ज्यादा रखते हैं और लास्ट में स्पीड कम कर देते हैं। तो स्पीड कम होगी तो क्या कम होगा, डिस्टेंस कम होगा। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आपको पहली टिप ध्यान रखना है भाई कि 30% जब लास्ट में आपका बचता है तो आपकी स्पीड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिस प्रकार ये लड़का आपको करके बता रहा है। क्या ध्यान रखना है भाई, स्पीड का समझ में आ गया है कि भाई हमें जो रनवे है उस पर किस तरीके से दौड़ना है। अगर आप स्पीड सही से नहीं कर पाएंगे, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको स्ट्राइड लगाने पड़ेंगे, 100-100 मीटर की स्प्रिंटिंग मारनी पड़ेगी, तब जाके आपका यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सेकंड टिप्स, जब सेकंड टिप्स को फॉलो कर रहे हैं आप तो एक बात विशेष कर ध्यान रखें आप लोग। हम क्या करते हैं, यहां पर आकर चेक कर लेते कदम को, छोटे कदम गिर जाते हैं हमारे, और छोटे कदम गिरेंगे तो हम छोटे स्टेप्स के कारण यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे और हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेग है वो यहां पर आ जाएगा टेक ऑफ लेते वक्त। तो चेक नहीं करना। चेक करने का क्या तरीका रहता है, आप चेक किस कंडीशंस में करते हैं, जब आपको डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं पता होता है, आपने डिस्टेंस को सही तरीके से नहीं नापा होता है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, यहां से आप स्टेप काउंट करके जाएं, कम से कम 9 to 11 कदम आपको स्ट्रेट रखना है जब आप सीख रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक परफॉर्म नहीं करेंगे। 9 to 11 कदम रख लिया, 9 to 11 कदम के बाद फिर आपका जो बचा हुआ जगह है उसको फिर मेजर करें आप, और एक बार बेसिक तरीके से दौड़ के आए और उसमें काउंट करें कि भाई जो मैं लैंडिंग, मतलब कि जो टेक ऑफ ले रहा हूं, वो टेक ऑफ मेरा स्ट्रॉन्ग लेग से तो नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग अगर टेक ऑफ लोगे स्ट्रॉन्ग लेग से, मतलब नियम नहीं है ऐसा, अगर आपको टेक ऑफ आपका उल्टा पैर, मतलब वीक पैर नहीं आया, स्ट्रॉन्ग पैर अप नहीं हुआ, तो बॉडी नहीं खींच पाएगा। तो टेक ऑफ लेते वक्त क्या ध्यान रखना है भाई, स्ट्रॉन्ग लेग नहीं आए, क्या नहीं आए, जो आपका टेक ऑफ बोर्ड रहेगा, ये टेक ऑफ बोर्ड रहता है यहां पर जहां से आप जंप करते हैं, वहां पर स्ट्रॉन्ग लेग नहीं आना चाहिए आपका। स्ट्रॉन्ग लेग समझने के लिए क्या करें भाई, हर बंदे का स्ट्रॉन्ग लेग कैसे समझे, इस बंदे का क्या होगा स्ट्रॉन्ग लेग, इसका क्या होगा, तो इसका एक बेसिक रूल्स है, कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपको खड़े हो जाना है और किसी से बोलना है कि भाई पीछे से मेरे को धक्का मार, क्या मार, एक बार और दिखाना भैया, देखना इधर इधर देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, स्ट्रॉन्ग लेग कैसे चेक किया जाता है, ऐसे सिंपल खड़े हो जाना, दोनों पैर रख के पुश करना है। अब स्ट्रॉन्ग लेग जो जो ताकतवर लेग है ना, हमेशा वही आगे निकलेगा, पहले निकलेगा।
तो जो ताकतवर लेग है उससे आपको क्या नहीं करना है, टेक ऑफ नहीं लेना है, उसको तो हवा में रखना है। दो रूल्स आ गई बात समझ में। तीसरी बात, मैंने कई लड़कों को देखा है कि वो फ्लैट कूदते हैं, जमीन के सहारे कूदते हैं, उनकी हाइट नहीं आ पाती है। जब तक आप हाइट मेंटेन नहीं करेंगे आपका लॉन्ग जंप नहीं जाएगा। तो वीडियो के माध्यम से देखा आपने, हाइट नहीं है तो डिस्टेंस नहीं गया, हमें लॉन्ग जंप करना है क्योंकि एक डिस्टेंस वाला आपका इवेंट है, जितनी ज्यादा दूरी पे गिरेंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको क्या रूल्स फॉलो करना है, आपको जब आप रनवे पर रन कर रहे होते हैं और टेक ऑफ लेते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, टेक ऑफ को देख लेते हैं, वहां से नजर कहां रहती है आपकी, टेक ऑफ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपकी नजरें टेक ऑफ पर होगी तो आप हमेशा आपकी हाइट में थोड़ा बहुत कमी आएगी। आपकी नजरें कहां होनी चाहिए, गड्ढे के पार होना चाहिए, कहां होनी चाहिए, अगर गड्ढे के पार नजर होगी आपकी तो आपका हाइट अच्छा जाएगा। आप कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर अगर मैंने टेक ऑफ को नहीं देखा तो फाउल होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्या होंगे, फाउल होने के चांसेस उस कंडीशंस में बढ़ते हैं जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप ये स्टेप्स वाले वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस वाले वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे, स्टेपिंग करके काम करेंगे तो आपका फाउल होने का चांसेस भी कम हो जाएगा। कितनी बातें समझ में, चार बातें समझ में जोरदार ताली है इसके लिए। मान लो इधर से तेरे को गोल्डन की तरफ कूदना है तो कैसे दौड़ता हुआ जाएगा बता मेरे को, उधर से आप फिर से ये होती है गलती, ये गलती इसलिए होती है कि भाई आप एक नेचुरल तरीका रखें। जो हम रेगुलर रनिंग करते हैं, आप दौड़ते हो 800 मीटर 1600 मीटर जो भी आप अभ्यास करते हैं रनिंग का, वही फॉर्म आपका रनिंग में होगा, ये टेक ऑफ के दौरान होगा। आपको ऐसा नहीं है कि लंबी कूद कर रहे हैं तो लंबे लंबे कदम रखना है, लंबे कदम रखोगे तो आप टेक ऑफ मतलब कि आपका डिस्टेंस ज्यादा नहीं जाएगा, जिस प्रकार इस लड़के का जा रहा है। अगर ये नेचुरल दौड़ दौड़ता, नेचुरल जो दौड़ता है ना आराम से अपन, वो वाली दौड़ लगा, वो बेस्ट होगी। हाँ, फ्री रख बॉडी को, अभी कम है, हाइट भी कम है और डिस्टेंस भी कम है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस लेके स्टेप ज्यादा लिए। नेक्स्ट चीज, जब आप टेकऑफ ले रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप जब टेकऑफ ले रहे हैं तो कई लोग क्या करते हैं, टेकऑफ लेते वक्त स्टैंडिंग फॉर्म में टेकऑफ लेते हैं। आप वहां से तो जब रन करते हैं तो आपकी बॉडी सामने की तरफ झुकी हुई रहती है, लेकिन यहाँ आते आते आपकी क्या होती है, आपका स्टैंडिंग फॉर्म पे गिरता है पैर। देखो जब आप टेकऑफ लेते हैं तो आपका हिप्स जो होता है वो उसका साइड ये होगा, इतना एंगल होगा, अगर ये स्टैंडिंग फॉर्म पे आएगा तो हमारा जर का पैर पर आएगा और आप प्रॉपर तरीके से हाइट नहीं भर पाएंगे, डिस्टेंस नहीं भर पाएंगे। तो जब भी आप टेक ऑफ लेते हैं तो आपका फॉर्म ये आएगा, ये वाला गिरेगा पैर यहां से और फिर ये वाला उठेगा, तब जाके आपका जाएगा। मतलब कि आपका जो पावर है जब टेक ऑफ लेते हैं आप, तो जब पैर गिरता है तो आपके हिप्स पर नहीं आना चाहिए उसका, ठीक है, अगर ये आता है तो आप डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। लास्ट और अंतिम बात कि आप लोगों को जब आप इस पे दौड़ते हैं तो जमीन से पैर उठाकर दौड़ा जाता है, कैसे उठाकर दौड़ा जाता है, जमीन से पैर उठाकर दौड़ा जाता है। ये जमीन से पैर उठाकर कब दौड़ पाएंगे, इसके लिए आपको एबीसी ड्रिल वर्कआउट करने पड़ेंगे। एबीसी ड्रिल वर्कआउट, उसमें आपकी लेग स्टेप खुलती है, जब तक आप वो करना नहीं करोगे प्रारंभ तब तक आपका नहीं होगा लॉन्ग जंप क्लियर। एक और अंतिम बात, जब भी आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं भाई, शॉर्ट्स में करना है, किस में करना है, चड्डे में आपको लॉन्ग जंप करना है, ये आपके नियम है, सावधानी है। अगर इन बातों को फॉलो करोगे तो आपका लॉन्ग जंप अच्छे से जाएगा, आप 30 नंबर तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज परेशान होते रहोगे, आपका लॉन्ग जंप नहीं होगा, ठीक है, ये नियम है, क्या है, नियम है। अब इसके बाद क्या आती है, टेक्निक्स आती है।
कि भैया क्या टेक्निक को फॉलो करना है लॉन्ग जंप करने के लिए, कौन सी एक्सरसाइज करना है लॉन्ग जंप को करने के लिए, इनके लिए हम नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वाली बातों में नए वीडियो में आपको समझाएंगे। ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो रहा है इसलिए आपको बस यहाँ पर इतना ही, इस बात इन सभी बातों का ध्यान रखें और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आपका लॉन्ग जंप अच्छे से जाए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो फोर्स एकेडमी में होली के बाद फिर से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है, होली से पहले ऑफर है, अगर ज्वाइन करना है तो नंबर है 9691007672। अब आप देखिए लॉन्ग जंप 4 से 5 लड़के आपको करके बताएंगे, उसमें आपको ये भी बता दूंगा कि कौन लड़का गलत तरीके से कर रहा है और कौन लड़का सही तरीके से लॉन्ग जंप कर रहा है। गोल्डन आराब लेना नजर का रखनी है, नजर सामने वहां गड्ढे के पार रखनी है नजर, चल गुच्ची।